नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अलग और अनोखी रेसिपी लेकर आए हैं। कभी कभी हमारा कुछ अच्छा खाने का मन करता है, पर घर में कोई खास सब्जी नहीं होती, तब आप ये शानदार रेसिपी बना सकते हैं जो घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू। हम लेंगे एक मिक्सी का जार। मैंने लिया 2 टमाटर, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इनकी कैप को हटा दिया है। अब इन टमाटर को हमने इस मिक्सी के जार में ना रफली चॉप कर लेना है, दोनों टमाटर को। देखिए, टमाटर को हमने चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने ली थी 4 लहसुन की कलियां, उनको छील लिया था, वो डाल रही हूँ। और 2 हरी मिर्ची ली थी, उनको छोटा छोटा काट लिया है। और थोड़ा सा लिया था अदरक का टुकड़ा, उसको भी छीलने के बाद छोटा छोटा काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को पहले पीस कर तैयार कर लें। अब लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसको हम फैलाते हुए गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी हींग, 1 छोटा टुकड़ा डाल रही हूँ दालचीनी का। मैंने ली थी बड़ी इलायची, उसके छिलके को हटा दिया, उसके दाने डाल रही हूँ। और डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। पहले इन सब चीजों को अच्छे से चला देंगे, जो जीरा है अच्छे से फूल जाए और सबका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मिक्सी में पीस लिया था, वो डाल रही हूँ। अब प्याज जल्दी से हो जाए और अच्छे से हो जाए, मैं नमक अभी से डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप ध्यान से डालें और स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि नमक का यूज हम बाद में भी करेंगे थोड़ा सा। और प्याज को अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भून लेना है। ये प्याज हमारी ना हो गई है, अब डालेंगे कुछ और मसाले। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। पहले इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना मिक्सी में, वो डाल देंगे। तेज गैस पर अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी हमने पका लेना है। ये जो सब चीजें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और बाकी की तैयारी करेंगे। मैंने ले लिया है 1 कप बेसन, ये नॉर्मल बेसन है और मैंने 1 कप के करीब लिया है। इसे मैं एक बड़े बर्तन में डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी कुछ और चीजें जो इसके स्वाद को बढ़ाएंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें और ध्यान से डालें, थोड़ा सा नमक हमने पहले भी यूज किया है। मैंने लिया थोड़ी सी कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून के करीब, हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, इसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसमें। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया अजवाइन, इसको भी ना हाथों से थोड़ा सा पीस के डालने से इसका स्वाद भी बढ़ता है और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। मैंने ले लिया है 1 बड़ा आलू, उबला हुआ है, इसको हमने छील लिया है। और मैंने लिया कद्दूकस, मैं इस आलू को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो अच्छे से मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, ये 1 बड़ा आलू था, मैंने 1 लिया है। आप चाहे 2 छोटे आलू हो ना तो आप 2 ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। अब इन सब चीजों को पहले तो हमने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करना है, अभी पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि आलू में भी ना मॉइस्चर होता है, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने लिया है 1/2 कप पानी, एकदम से बहुत सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे फैलाते हुए डालना है। और इसका एक डो तैयार करना है, ज्यादा मुलायम भी नहीं रखना और ज्यादा सख्त भी नहीं रखना। इसका हमने नॉर्मल डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसे करने में हमारा 3 टेबलस्पून पानी लगा है, ज्यादा पानी नहीं लगा है। अब इसी में मैं थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ, इसे हाथों पे लगाऊंगी जिससे ये चिपके ना, थोड़ी सी इसमें से मिश्रण तोड़ेंगे, इसे भी थोड़ा सा कोट कर लेंगे बेसन में। अब चाहे हाथों से आप कर लें इस ढंग से, पहले इसे गोल बना लें। अब इसको मैं इस ढंग से ना लंबे ढंग से कर रही हूँ, ये देखिए जैसे होती ना सेवियां, उसी ढंग से इसे पतला और लंबा कर लेंगे। अब चाकू से ना 1-1 इंच का ना
इसको इस ढंग से कट लगा लेंगे। ये देखिए इस ढंग से। मैं आपको दूसरी बताती हूँ, ऐसे थोड़ा सा बेसन इस पे डाल दें चॉपर पे, इसको अच्छे से लंबा कर लें। ये लंबा करने के बाद एक एक इंच का ना चक्कू से ऐसे कट लगा लेंगे। अगर चिपके ना तो थोड़ा सा बेसन लगा लें आप। देखिए इसी ढंग से मैं सबको बनाकर तैयार कर लूंगी। ये देखिए हमने सबको बनाकर तैयार कर लिया है। इस पे मैंने थोड़ा थोड़ा बेसन भुरक दिया है कि आपस में चिपके ना। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था एक कढ़ाई में। जब ऑयल गर्म हो जाए तेज, मैं गैस को मीडियम कर दूंगी और मैं इसमें से ना थोड़े से पहले सेव थोड़ी सी दूरी बनाते हुए डाल दूंगी। एकदम से ज्यादा नहीं डालने हैं और एकदम से इसको छेड़ना भी नहीं है, गैस को मीडियम रखना है। जब ये सिक जाते हैं ना तो ये अपने आप ऊपर तल के आ जाते हैं। ये देखिए इस ढंग से। अब इसे हमने करारा होने तक, थोड़ा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए ये हो गए हैं। इसे करने में हमारे 3 से 4 मिनट लगे हैं और गैस को स्लो कर ऑयल झाड़ कर निकाल लें, ऐसे ही बाकी को तैयार कर लें। ये मसाले वाली गैस को ऑन करने से पहले मैंने लिया था 2 चम्मच के करीब दही। ये कम खट्टा दही है, इसको मैंने थोड़ा फैट लिया है, वो डाल देंगे। इससे क्या होगा, एक तो ग्रेवी टेस्टी बनेगी और थिक भी बनेगी। पहले तो अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए मिक्स हो गया। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और इसको मीडियम गैस पर ऐसे ही चलाते हुए ना हमने पका लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे पानी। पहले मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ क्योंकि जो इसकी ग्रेवी है ना थोड़ी थिक अच्छी लगती है। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1/4 ग्लास के करीब पानी डाला है और मिक्स करते हुए तेज गैस पर एक उबाला आने देंगे। देखिए उबाला आ गया। अब जो हमने सेव तैयार करे हैं वो इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस को बिल्कुल स्लो कर इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब हम गैस को बंद कर देंगे लेकिन खोलेंगे 2 मिनट बाद। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है और कितने अच्छे से जो सेव डाले थे फूल चुके हैं। आप एक बार इस ढंग से सब्जी जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।